हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो ये सुबह का टाइम हो चुका है, हमारे दिन की शुरुआत हो चुकी है। आई होप कि आप लोग के दिन की शुरुआत भी हो रही होगी और आप सभी भी अपने कार्यों में बिल्कुल आगे बढ़ रहे होंगे। तो देखिए, हमारे पतिदेव भी जा रहे हैं, ऑफिस जाने की तैयारी कर रहे हैं और ये गाड़ी आज सर्विसिंग करा करके लाए हैं। तो बोल रहे हैं कि गाड़ी कितनी अच्छी लगी है। तो मैं बोल रही कि ये पैसा जब लगा है तो गाड़ी तो अच्छी लगेगी ही। सर्विसिंग आज ही हुआ है तो बिल्कुल धुलाई वुलाई बहुत एकदम नया जैसा दिख रहा है। अपने सारे फाइल्स वगैरह को रख रहे हैं और अब ये निकलेंगे ऑफिस के लिए। इनके ऑफिस जाने के बाद, बच्चों के स्कूल जाने के बाद ही मेरे दिन की शुरुआत होती है। मेरे कामों में मैं अपने लगती हूँ। तो देखिए, बस ये निकल रहे हैं। बच्चे तो सुबह के ही और स्कूल चले गए हैं और अभी 9:30 बज रहा है। 9:30 बजे तो इनको ऑफिस में पहुँचना होता है। 9 बज रहा है और ये ऑफिस के लिए निकल रहे हैं। तो आप ब्लॉग में बने रहिए, ब्लॉग बिल्कुल भी स्किप करके मत देखिएगा। आगे बहुत ही मज़ेदार वीडियो बनने वाली है। मैं आप सभी को दिखाती हूँ मैं आगे क्या क्या करती हूँ, तो आप ब्लॉग में बने रहिए। चलिए, आप भी हमारे साथ कामों में। रेडी, मैं अपना बाल वाल बना रही हूँ। अभी अभी आप लोगों ने देखा कि पतिदेव ऑफिस जा ही चुके हैं और बच्चे भी स्कूल चले गए हैं। तो अब मेरा रूटीन चालू हो चुका है। तो मैंने घर के झाड़ू पोछा, बर्तन वगैरह ये सारे काम मैं निपटा ली हूँ और फटाफट से मैं अभी नहा धो करके मैं रेडी हो गई हूँ। अब मुझे जानते हैं क्या काम करना है। आज मुझे ना बहुत बहुत डिफ़िकल्ट काम करना है, क्योंकि जितने भी डब्बे वगैरह है ना, आटा के, चावल के, ये सब मतलब राशन ख़त्म हो चुका है। तो मैं बहुत दिनों से वेट कर रही थी कि जब ये ख़त्म हो जाए ताकि मैं इसको धुल सकूँ, उसके बाद से मैं इसमें दूसरा भरूँगी। तो आज मेरा ख़त्म हो चुका है और मैं उन सारे डब्बों को आज धुलना है। तो मैं सोच रही थी कि पहले से ही अगर उस सब कामों में फंस जाते हैं ना, तो फिर उस काम सिर्फ छेड़ने के होते हैं, काफ़ी उसमें टाइम लग जाते हैं। इसलिए मैं वेट कर रही थी ना कि मेरे घर के सारे ही काम ख़त्म हो जाए, उसके बाद से मैं उन कामों में हाथ लगाऊं, ताकि कितना भी समय लगेगा तो फिर कोई गम नहीं है। 12 बजे तक अभी हमारे पास समय है, 12 बजे तक बच्चे आएंगे तब तक मेरे पास टाइम हो, तो मैं आराम से उन कामों को कर रही हूँ। तो मैं फटाफट से चलती हूँ अब किचन में उन सारे कामों को करने के लिए। आप ब्लॉग में हमारे बने रहिए और प्लीज़ 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 आप सबसे निवेदन है कि हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए। बर्तन धोने में ये वाला यूज करती हूँ, क्योंकि इसी से मेरा हाथ, ये विम बार या कोई भी और भी मैं यूज करती हूँ, मेरे हाथों में पता नहीं क्यों हाथ एकदम फटने लगता है। तो मैं स्पेशल इसी को ही मंगाती हूँ। खत्म होने से पहले मैं मार्केट से कहीं से ढूंढ करके मैं इसी से मंगाती हूँ। इससे मेरा हाथ बिल्कुल भी बहुत बहुत अच्छा रहता है। Thank you.
सो गाइस अभी हो गया है शाम का टाइम और मैं यहाँ पे मूंगफली का दाना मैं भून रही हूँ। और ये देखिए मैं बना रही हूँ, ये क्या है इसको मूढ़ी हम लोग बोलते हैं, पता नहीं आप लोग क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता है, हम लोग इसको मूढ़ी बोलते हैं। तो मैं मटर और मूंगफली और ये मूढ़ी को मैं भून करके बनाई हूँ क्योंकि हस्बैंड को शाम के समय में मतलब कुछ भूजा वगैरह कुछ खाने का मन करता है, तो आज ये घर पे है तो फिर मैंने सोचा कि आज मैं यही बना दूँ। तो वहाँ बॉटल में रखे हैं, मैं यही आज खा गई पूरा शाम के नाश्ते में ये भूजा और चाय मैं घर पे ही बनाई हूँ। तो आप लोग इंजॉय कीजिए और प्लीज़ जो लोग हमारे चैनल पे नए हैं हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए। ले लिया तो स्कूल में बलवा ऐसे कहाँ हुआ है इसका, नहा के झाड़ी भी नहीं है तो वो सब आपके चक्कर में है, तो वो मेरा मूड आप खराब किया है। एक बार मूड ठीक बात है बानी नू बोलिए लग ही नहीं रहा सबके नहाया ऐसे बाजे। अरे ऊपर चढ़ जा रहा है ऐसे हाथ कर लियो तो। थोड़ी छोटी छोटी खुशियां नहीं दे सकते हैं, बड़ा क्या देंगे। कुछ भी छोटी नहीं, पापा बड़ी बड़ी खुशियां दे देते हैं। बड़ी बड़ी दे देते हैं लेकिन छोटी छोटी नहीं देते हैं। छोटी छोटी आप परिवार खुश रहता है छोटी छोटी खुशियों की वजह से। कुछ बोलिए कहें, कुछ नहीं बोलेंगे, बोलिए। बड़े बड़े खुशियों से परिवार खुश नहीं रहता है। इमोशनल अत्याचार पापा पे, इमोशनल अत्याचार।